हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें परसेंट का साइन भी आएगा। यहां पे देख सकते हैं आप, परसेंट वाली साइन भी इसमें आ रही है। यहां पे देख सकते हैं परसेंट का निशान इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं न्यू फाइल ले लेता हूं ये। ठीक है, और न्यू फाइल को लेने के बाद यहां से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और यहां से क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का सिनेरियो हमारे सामने आएगा। अब हमको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। यहां पे मैं कुछ मल्टीपल कुछ ऐसे करके इसका नाम दे देता हूं इस टेबल का। ठीक है, और यहां पर ये आईडी है। ठीक है, तो ये आईडी प्राइमरी की होती है, इसको मैं आईडी ही रहने देता हूं। ठीक है, अब यहां पर हम मल्टीपल टैक्स किस चीज में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है और हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ टैक्स भी लगता है। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अमूमन हर प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नेम दे देता हूं। ठीक है, यहां लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। ओके, यहां लिखा प्रोडक्ट नेम और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देते हैं कॉस्ट या प्राइस। तो यहां लिखता हूं प्राइस। ठीक है, और प्राइस में यहां पर क्या देंगे, नंबर डेटा टाइप। ठीक है, तो नंबर डेटा टाइप हमने दे दिया। यहां पर आकर के ये जो दिख रहा है आपको, यहां पर आकर के हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको डेसिमल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से डेसिमल बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, दशमलव में भी वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा ये। ठीक है, और अब यहां पर जब आएंगे तो यहां पर यूनिट डालेंगे, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट को भी हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे और डेसिमल बनाएंगे यहां से। तो यहां से हम बना लेते हैं इसको डेसिमल। ये डेसिमल कर लिया हमने और यहाँ पे टोटल को भी हम रखेंगे डेसिमल में। ठीक है, यहाँ टोटल रखा हमने और यहां पर कर देंगे इसको नंबर और यहां से इसको बनाएंगे डेसिमल। ओके, तो ये डेसिमल बना दिया हमने। अब हमको यहाँ पे टैक्स अमाउंट देना है। ठीक है, टैक्स इन परसेंट देना है। टैक्स इन, जो भी टैक्स होगा वो परसेंट में लिखा होगा। किस में लिखा होगा, परसेंट में। तो ये टैक्स इन परसेंट हमने दे दिया और यहां पर क्या रखेंगे, हम हमेशा रखेंगे यहां पे नंबर डेटा टाइप। ठीक है, क्या रखेंगे, नंबर डेटा टाइप। यहां पर जो हमारा होगा, जैसे ये जो चीज है, यहां पर आकर के हमें क्या करना है, इसको भी डेसिमल ही रखना है। ये जो दिख रहा है ना, तो अभी हम डेसिमल ना रख करके इसको रखेंगे डबल। क्या रखेंगे, डबल। ठीक है, हमने क्या रखा है, डबल रखा है। अब यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये जो फॉर्मेट है, ये देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लिक किया है और फॉर्मेट को क्या रखेंगे, हम परसेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये परसेंट रख दिया फॉर्मेट को हमने। और अब यहां पर हम आएंगे तो यहां पे टैक्स अमाउंट निकालेंगे, यानी कि टोटल के आधार पर हम क्या निकालेंगे, टैक्स अमाउंट कितना लगा है हमारा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा यहां से और यहां पे रख लेंगे नंबर डेटा टाइप सिंपली। ठीक है, आप इसको चाहे तो यहां से डेसिमल बना सकते हैं। ओके, अब यहां से व्यू पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है, तो ये इस तरीके से ये पूरा शो होगा। अब हमको यहां पर कैलकुलेट करना है, तो क्रिएट पे चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से ये जो मल्टीपल नाम का हमने टेबल बनाया था उसको ऐड करवा देंगे। यहां एक एक करके सारी चीजें ऐड करवाएंगे यहां से। और यहां पर आकर के टोटल के बाद ये जो टैक्स इन परसेंट है और यहां पे एट लास्ट जो टैक्स अमाउंट दिया हुआ ये ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पे टोटल पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और जूम व्यू पे जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमें काम करना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है दो नंबर, ये टैक्स टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर लिखूंगा प्राइस स्क्वायर ब्रैकेट बंद इन टू यूनिट। ओके, तो ये लिख दिया हमने, तो प्राइस इनटू यूनिट कर दिया हमने, ओके प्रेस किया। ओके, इसके बाद टैक्स इन परसेंट दिया हुआ है, तो यहां पे हमें टैक्स इन परसेंट में अभी कुछ नहीं करना है, सीधे आना टैक्स अमाउंट में, यहां पर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां टैक्स अमाउंट में आकर के यहां लगाएंगे कोलन। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए टोटल पर ही कैलकुलेट होगा ये। तो यहां लिखता हूं मैं टोटल, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या देना है, टैक्स इन परसेंट हमने दिया था, तो यहां पर टैक्स इन परसेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, टैक्स इन परसेंट। ओके, तो ये लिख दिया हमने टैक्स इन परसेंट। अब क्या करना है,
टैक्स इन परसेंट तो हमने लिख दिया है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको 100 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये डिवाइड भी हमने कर दिया। अब हमको सिंपली क्या करना है, ओके प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे और यहां पर रन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें इसमें अप्लाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब हमको आईडी नंबर 1 है और प्रोडक्ट नंबर है इसका, प्रोडक्ट नेम है इसका, जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूं यहां पे माउस, ठीक है, तो ये माउस लिखा हमने। अब यहां पे प्राइस आ रहा है, तो जैसे सपोज कीजिए माउस की प्राइस है 250 रुपए, ठीक है, तो यहां 250 आ गया। अब यूनिट कितना खरीदा? 6 यूनिट खरीदा, ठीक है, तो 6 यूनिट 250 के हिसाब से 1500 रुपए हो गया। अब इस पे टैक्स लगाना है, ठीक है, सपोज कीजिए इस पे टैक्स 6% लग रहा है, तो यहां देखिए परसेंट लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही हमने यहां पे अगले कॉलम में मूव किया तो यहां पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जा रहा है। तो यहां पे परसेंट का साइन आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। अब यहां पर सेकेंड आइटम को हम यहां पर नोट करेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने खरीदा मदरबोर्ड, ठीक है, मदर बोर्ड, तो ये मदर बोर्ड है, और यहां पे मदर बोर्ड की जो प्राइस है वो है 3900 यानी 3900 रुपए, ठीक है। और ये जो है इसके जो है 7 आइटम हम खरीद रहे हैं, ठीक है, 7 आइटम के हिसाब से यहां पे टोटल आ गया, और इस पे सपोज कीजिए 6.5% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, 6.5%, तो यहां पे देखिए 6.5% के हिसाब से टोटल भी हमारा आ गया, और ये डेसिमल वैल्यू भी सपोर्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पे एक और आइटम लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए अब हम लेते हैं एलईडी टीवी, ओके, एलईडी टीवी हमने लिया, और एलईडी टीवी का जो कॉस्ट है वो है 25,000 रुपए, यहां 25,000 हमने लिख दिया, और यहां पर अब यूनिट लग रहा है वो लगा है 19.5% का टैक्स लग रहा है, 19.5%, ठीक है, तो इसके हिसाब से यहां पे टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आप चाहे तो क्रिएट में जाकर के और यहां फॉर्म में जाकर के, यहां पे ये देख सकते हैं आप फॉर्म आ रहा है, या फिर यहां मोर फॉर्म पे जाकर के, फॉर्म विजार्ड पे जाकर के, और इसको सेव करके यहां से इसको फॉर्म व्यू पे ले सकते हैं, ठीक है। इन सारे की हमें जरूरत है, ओके पे प्रेस करेंगे, और यहां इसको हम टेबुलर फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है, और यहां से कोई भी एक फ्लो हम चूज कर लेंगे यहां से, और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये छोटा बड़ा हो गया है जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ डिजाइन व्यू में जाकर के हम इसको सही कर लेंगे, ठीक है, यहां से जाकर के, और इसको ये थोड़ा बड़ा कर देंगे साइज, ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखने लगा है, थोड़ा सा और इसको करना है सही से, तो ये पहले नीचे करता हूं मैं, ठीक है, और इसको इधर से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे व्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी।